आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, परिपथ में दर्शाया गया है i बराबर 10 इंटू 10 की घात माइनस 4 टी, तब 0.25 सेकंड पर बिंदु ए एवं बी में वोल्टता होगी। ऑप्शन ए है -40/e वोल्ट, ऑप्शन बी है 40/e वोल्ट, ऑप्शन सी है 40e वोल्ट, ऑप्शन डी है -40e वोल्ट। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच में वोल्टता। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच का वोल्टता यह है VAB, तो हमें ज्ञात करना है VAB का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, यह है VAB। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा I का वैल्यू दिया गया है, यह है कितना है, I इक्वल टू दिया गया है 10 इंटू ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यह है VR। ठीक है, उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर मान लेते हैं यह है VL। ठीक है, तो VAB इक्वल टू कितना होगा, ये होगा VR प्लस VL के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले VR का वैल्यू। ठीक है, तो VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा का वैल्यू कितना है, यह है I, तो हो जाएगा I इंटू यहाँ का प्रतिरोध कितना है, यह है 4 ओम, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू है यह है 10 इंटू ई का घात माइनस 4t इंटू हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ई का घात माइनस हो जाएगा 4t। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि प्रेरकत्व के सिरों का विभवांतर वी एल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एल डी आई बटे डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एल इंटू ये हो जाएगा डी बटे डी टी, और यहाँ से आई का वैल्यू कितना है, यह है 10 इंटू ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ से वी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू दिया गया है 2 हेनरी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से इसको टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 10 इंटू यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू हो जाएगा ई का घात, ये हो जाएगा माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वी एल इक्वल टू ये हो जाएगा -80 इंटू ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी आर का वैल्यू कितना है, यह है 40 इंटू ई का घात माइनस 4t प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एल, तो इसका वैल्यू है यह है -80 इंटू ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ से वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 40 इंटू ई का घात माइनस 4t माइनस ये हो जाएगा 80 ई का घात माइनस 4t। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -40 ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तो यहाँ से वी ए बी का वैल्यू कितना गया, यह आ गया -40 ई का घात माइनस 4t। ठीक है, तथा हमें जो वोल्टता निकालना था ए और बी के बीच में, वह कितने सेकंड में निकालना था, यह निकालना था 0.25 सेकंड पर। ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल टू 0.25 यानी कि 1/4 रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -40 इंटू ये हो जाएगा ई का घात माइनस 4, टी का वैल्यू कितना है, यह है 1/4, तो हो जाएगा 1/4, और तो यहाँ से 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा -40 इंटू ई का घात, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -40 ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी के बीच का वोल्टता जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40/e वोल्ट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।